हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अजट स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पॉलिटी से संबंधित कुछ एमसीक्यू को देखेंगे। पॉलिटी से संबंधित जो टॉपिक है संविधान सभा, आज उसके पार्ट फर्स्ट में 1 से 10 तक एमसीक्यू हैं, उनको आज देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत की संविधान सभा थी उसको गठित करने का जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा हेतु अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुए थे और इसी आधार पर 389 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया था। तो जो संविधान सभा को गठित करने का जो बेस था, आधार था, वो था कैबिनेट मिशन 1946। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दो, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी फैजपुर, ऑप्शन डी लाहौर। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1936 में, उसमें पूछा गया है कि जो संविधान सभा के गठन की मांग निम्नलिखित ऑप्शंस में से किस अधिवेशन में रखी गई थी। तो जो 1936 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था फैजपुर में, और यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर तीन, भारतीय संविधान को अपनाया गया ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। तो जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान है, उसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चार, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राय, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो 9 अगस्त 1946 को जो सबसे पहले संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में शुरू हुआ था, और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो जो परमानेंट अध्यक्ष थे वो 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी मीटिंग हुई थी उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और वो अंत तक संविधान सभा के सभापति के रूप में कार्यरत रहे थे। क्वेश्चन नंबर पाँच, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अध्यक्षता की थी वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, और उन्हीं को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर छः, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो संविधान सभा के गठन की मांग थी वो 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो वो प्रस्तुत की गई थी, वो व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, और इन्होंने स्वराज्य विधेयक में इसकी मांग
की थी और सबसे पहला विचार भी इन्हीं के द्वारा रखा गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 7, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए 22 जनवरी 1948 को, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी 26 फरवरी 1947 को, ऑप्शन डी 26 जुलाई 1948 को। तो जो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव था उसको संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो पूछा गया है कि जो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के द्वारा कितनी समितियां बनाई गई थी, कितनी कमेटियां बनाई गई थी। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 16। तो संविधान को बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जो चर्चा करने के लिए और अध्ययन करने हेतु संविधान सभा ने कुल 13 समितियों की नियुक्त की थी या 13 समितियां बनाई थी। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13। और एक फेमस समिति है वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति के जो अध्यक्षता थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी डॉक्टर बीआर अंबेडकर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। ऑप्शन ए 289, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 333। तो 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत 389 सदस्यों को चुना गया था और 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे और 93 सदस्य देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे और जो बाकी के जो 4 थे वो थे चीफ कमिश्नर शासित क्षेत्र के प्रतिनिधि। इस तरीके से टोटल 389 सदस्य थे। देसी रियायतों के प्रतिनिधियों के अलावा शेष 296 में से जो 292 प्लस 4 296 थे देसी रियासतों के अलावा जो 296 थे इन 296 में से 211 सदस्य कांग्रेस के थे और 73 सदस्य मुस्लिम लीग के चुने हुए थे तथा शेष स्थान खाली रहे। लीग ने संविधान सभा में शामिल होना स्वीकार नहीं किया था लेकिन जो पुनर्गठन हुआ था 1947 में उस समय जो सदस्य संख्या बची थी वो बची थी 299। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, यानी जो संविधान सभा का जो विचार था उसे ऑफिशियल रूप से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एमएन राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो जो संविधान सभा का विचार था उसे औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था वो क्या हुआ था, एमएन राय जी के द्वारा। एमएन राय के द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमएन राय।